आत्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें करना क्या होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाऊंगी। कोई मंत्र नहीं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं, कोई विधि नहीं। उसके लिए हमें सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है साधने की, तन मन और आत्मा। तन की शुद्धि, मन की शुद्धि और आत्मा की शुद्धि। अगर हम इन तीनों के ऊपर अपने आप काम करते हैं तो हमारा सब कुछ स्वयं ही ठीक हो जाता है। सो आज हम इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कोई बताएगा कि हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा जीवन में ज़रूरत होती है? तन मन और धन, तीनों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है लाइफ में? बिल्कुल सही। तो तन को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही। और जब मन शांत और सही रहेगा तो धन तो अपने आप ही आ जाएगा, उसको मांगना नहीं पड़ेगा उससे। तो हम तन की शुद्धि से बात करते हैं, अपने स्वास्थ्य को कैसे हम ठीक कर। तो ये तो हो गया पहला काम। अब दूसरे काम पे आते हैं, मन। मन को हम कैसे शुद्ध करें? विचार तो चलते ही रहते हैं मस्तिष्क में, हम उसे रोक भी नहीं सकते, चाहते हुए भी नहीं रोक सकते, क्योंकि वो घोड़े की तरह दौड़ता ही रहता है। तो उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध रखना चाहिए। हर थोड़े थोड़े समय बाद स्वयं को याद दिलाना चाहिए कि हमें किसी के प्रति बुरी भावना या बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। और अगर ऐसे विचार मन में आ भी जाए तो उनसे कहें कि तुम हमारे लिए नहीं हो, मुझे तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही देना है, अच्छा ही करना है। आसपास के लोगों से प्यार से बोलें, घर के सर्वेंट्स, बच्चे, दोस्त, हमेशा प्यार का भाव रखें। साहित्य रत्न और दीदी साहित्य से जुड़ी हुई हैं। साहित्य में दीदी को अनेकों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां मिली हुई हैं। जितनी ही गुणी ये हैं उतना ही गुणी इनका पुत्र है सत्यम उपाध्याय, आपने नाम सुना ही होगा। YouTube पर, Facebook पर सत्यम आज एक ऐसा युवा चेहरा है हमारे बीच में जिसने हर युवा दिल के अंदर अपनी एक पहचान बनाई, और ऐसी मात्र शक्ति को मैं हृदय से नमन करता हूँ। और क्रियोन फोटोग्राफी, उसके बारे में आपने सुना होगा कि मुझे भी आपको पता है उसके बारे में थोड़ा सा आईडी। उसमें क्या हुआ कि आपकी ऑरा की जो है वो पिक्चर ली जाएगी, आपके उस ऑरे के माध्यम से ये पहचाना जाएगा कि वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आने वाली, आपके शरीर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है भविष्य में। और उसके बाद उस फोटोग्राफी के बाद एक पूरी वैज्ञानिक तकनीक है, उसके बाद हीलिंग दी जाएगी माँ के माध्यम से, उसके बाद फिर से आधे घंटे बाद फिर फोटोग्राफी ली जाएगी और ये देखा जाएगा कि हीलिंग के बाद उस ऑरा पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आप लोग इसमें जरूर शामिल होइए, और नहीं भी आप करवाना चाहते तो आप आकर के उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये तकनीक जो माँ लेकर के आई है ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आ रही है, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें ये सब कुछ सीखने को, देखने को, अनुभव करने को मिल रहा है। तो गुरु माँ के लिए भी बस जोरदार तालियां, जो जिन्होंने अपना 45 वर्ष देश विदेश में रह करके उन्होंने व्यवसाय किया और इनके बच्चे आने नहीं देना चाहते, लेकिन माँ कहती है नहीं, मुझे भारत जाना है, मुझे भारत के लोगों के साथ रह करके खुशियां बांटनी है, उनकी सेवा करनी है। तो माँ का जो उद्देश्य है कि सबके, जैसे माँ ने बोला कि सबके चेहरे पर मुस्कान हो, आप देखते हैं, आप कितने लोगों ने नोट किया होगा कि माँ के चेहरे पर मुस्कान रहती है, देखा होगा, ऐसे ही वो मुस्कान सबके चेहरे पर जाती है। तो हम सभी लोग इस कार्य में सहयोग कर, चेहरे पर मुस्कान हो और हम उनका पूरा पूरा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नारी सशक्ति सम्मान समारोह में आज आई और उन्होंने नारियों का सम्मान किया, तो आइए उनसे जानते हैं कि इस समारोह में आकर उन्हें कैसा लग रहा है। माँ आपका स्वागत है हमारी उज्ज्वल इंडिया न्यूज लाइव में। माँ आज आप यहाँ पे नारी सशक्ति
सम्मान समारोह में आई, आपने सभी नारियों का सम्मान किया, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अपना बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके, सच पूछे तो मुझे ये अपना परिवार ही लगा। और नारी को सम्मान देने का मतलब ये होता है कि आप अपने देश को मजबूत बना रहे हैं। नारी जननी है, नारी शक्ति है, इसीलिए उसे देवी भी कहा गया है। जब हम नारी को सम्मान देते हैं, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो या दोस्त हो, तब हमारी जो अंदर की जो प्रेम की भावना है ना, वो पूरे संसार तक फैलती है। क्योंकि माँ का काम, बहन का काम और पत्नी का काम प्रेम बांटना होता है। तो मुझे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा और सबके विचार बहुत अच्छे हैं। सब बड़े बड़े ऊंचे पदों पर और अच्छे क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और उनको कोई नाम की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल पीछे रह के भी काम कर रही हैं, पूरी सेवा भाव से अपने देश प्रेम के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपनी माताओं के लिए काम कर रही हैं। तो मुझे इस कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा और स्पेशली गुंजन जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मिलाया। बहुत खुश हूँ यहाँ आके। आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है और साधुवाद है। आप लोग इसी प्रेम से अपने अपने कार्य में लगे और हम सबकी शक्ति बने, मैं यही प्रार्थना करती हूँ ईश्वर से। वहाँ जो 22 मई को आपके वहाँ आपके घर पे फोटोग्राफिक ऑरा हो रहा है, तो उसके बारे में आप दर्शकों को थोड़ा सा बताएं। क्लियोन फोटोग्राफी के द्वारा हम लोग एक व्यक्ति के शरीर की पिक्चर ले लेते हैं और उसके बाद उनको हीलिंग दी जाती है आधे घंटे की। तो जो पहली पिक्चर है वो निकाल के रख लेते हैं, उसके बाद आधे घंटे की हीलिंग के बाद दोबारा पिक्चर ली जाती है और उसमें आपको पता चल जाता है कि आपके शरीर के किस किस एरिया में प्रॉब्लम है। यानी कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद भी आपके शरीर में जो प्रॉब्लम आने वाली है उसको हम फोटोग्राफी में कलर्स के माध्यम से देख सकते हैं और उसका इलाज कर सकते हैं। सभी का स्वागत है, क्योंकि मैं तो अकेली ही चली थी और धीरे धीरे इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़ गए। और मैं चाहूँगी कि हमारी ये संस्था भी है जिसमें आप सब लोग भाग लें और काम करें आके। जैसा कि अभी उषा जी ने भी बताया था कि तन मन और धन, तीन चीज़ों से हम सेवा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें धन ही लगाना है। अपना समय जो देता है उसका समय भी बहुत मूल्यवान होता है, जो अपने हाथों से काम करता है बहुत मूल्यवान होता है। तो आप मुझसे, आप चाहें तो सविता जी हैं यहाँ पे, वो नंबर शेयर कर देंगी स्क्रीन पे, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और कभी भी समय लेके आप मुझसे मिल सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सविता उपाध्याय। इस कार्यक्रम में जो मुझे सम्मान दिया गया है उसके लिए मैं गुंजन जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। कहते हैं ना कि आपको जो भगवान ने जो भी दिया है, यदि वो आप समाज को बांटते हैं तो आप अपने आप खुश नसीब होते हैं। आपकी आत्मा की जो खुराक है ना, जो आपका अंतर्मन खुश होता है, तो उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। मेरे पास जो भी है, शिक्षा है, साहित्य है, जो भी बच्चों के लिए है, वो मैं बांटती चलती हूँ। इसलिए भगवान मुझे पुरस्कार के रूप में यह सम्मान देता रहता है और इसको मैं सहज जैसे स्वीकार करती हूँ। तो मैम, जैसे कि क्लोन फोटोग्राफी होने वाला है 22 मई को, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से उसमें हमारी बॉडी की जितनी बीमारियाँ हैं उसके बारे में पता चलेगा। ये मैं कहना चाहूँगी कि दिल्ली और NCR में शायद ये पहली बार हो रहा है, फोटोग्राफी के माध्यम से पूरे ऑरा को एक बार देखा जाएगा और उसमें जो जो परेशानियां होंगी उसके लिए हीलिंग की जाएगी और फिर उसके बाद फोटोग्राफी के माध्यम से पता चलेगा कि उस हीलिंग से कितना असर है। उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट करते हुए कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9998718993 और मैं चाहूँगी कि आप उसका अनुभव करें, उसको आकर के देखें कि कैसे होता है, क्योंकि ये दिल्ली NCR में पहली बार हो रहा है और हमारे गुड़गांव में हो रहा है, जिसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया से गुरु माँ नीना कन्ना जी आएंगे। तो मुझे लगता है कि सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए। तो आप भी अपना अनुभव शेयर कीजिए कि आपको इस नारी सशक्त सम्मान में समारोह में आपको किस तरीके के अनुभूति हुई। अनुभव की जो अनुभूति है, इनफैक्ट अनुभव नहीं, मैं कोई स्टेज में गया है
कि मैं अपने मुद्दों को किस तरीके से क्लियर कर सकती हूँ। पहले सोचती थी एक लड़की को घर में बसाना, फिर पता चला मैं बाहर निकली तो एक लड़की को 1000 घर को बसा सकती हूँ। अब मेरे को ऐसा लगता है मैं 1000 लड़कियाँ रेडी कर सकती हूँ जो हजारों घर को बसाए। इसलिए नारी शक्ति में स्टेज पर चलना अच्छा।